हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑलराउंडर राखी। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मेथी के साग के पराठे और बथुआ और बूंदी का रायता। देखिएगा किस तरीके से बनाती हूँ। इस समय जाड़ों में हरी सब्जियाँ काफी आती हैं और फायदेमंद भी हैं। इससे वे जितना यूज साग वगैरह का हम करते हैं अच्छे भी लगते हैं। सागों की वेराइटियाँ काफी आ रही हैं इस समय। मेथी के साग का पराठा देखिएगा मैं किस तरह से बनाती हूँ, और उसको बथुए के रायते और बूंदी के रायते के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, हमारे जो माँ बाप हैं सभी के अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मैं भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने बचपन में चार लाइन की पोइम सुनिएगा, ये बचपन ही तो है जो माँ बाप के साए में रहता है। ये बचपन ही तो है जो माँ बाप के साए में रहता है। हम बड़े हो जाते हैं लेकिन माँ बाप के लिए हमारा बचपन हमेशा याद रहता है। हम बड़े हो जाते हैं लेकिन माँ बाप के लिए हमारा बचपन हमेशा याद रहता है। इस बचपन में जितनी मस्ती हम कर लेते हैं, इस बचपन में जितनी मस्ती हम कर लेते हैं, वो माँ बाप ही हैं जो हमारी हर जिद पूरी कर सकते हैं। वो माँ बाप ही हैं जो हमारी हर जिद पूरी कर देते हैं। देखिएगा मेरा ये ब्लॉग, मैं आपको बताती हूँ मेथी के साग और रायता बूंदी का और बथुए का। देखिए किस तरह से बनाती हूँ। चलिए हमने किचन में चलते हैं और मेरे इस ब्लॉग को प्लीज पसंद करके सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मेथी धोकर काट ली है। ये आटा लिया हुआ है। इस मेथी को इस आटे में डाल के मैं थोड़ी मिर्च डालूंगी, नमक और हींग डाल के मलूंगी। ये देखिए बथुआ, ये बथुआ पिसा हुआ लिया हुआ है। हींग और जीरा है डिब्बी में। ये दही है फेंट के रखा हुआ है मैंने। और ये बूंदी है, बूंदी और बथुए का रायता बनाऊंगी। देखिएगा पहले इस आटे को मैं मेथी डाल के और हींग और नमक मिर्च डाल के मल लेती हूँ। थोड़ा 1 चम्मच मोइन भी डालूंगी इसमें। ये देखिए आटा मल चुका है मेथी डाल के, हींग और मिर्च नमक डाल के। इसको मैं 5 मिनट ऐसे ही मला रखूंगी जिससे इसमें थोड़ा सही हो जाए, थोड़ा मुलायम। देखिए अब मैं रायता इस तरीके से इसमें दही डाल, ये इसमें मैं पिसा हुआ बथुआ मिलाऊंगी। ये देखिए इसमें मैंने ये बथुआ मिला दिया है। अब इसमें मैं बूंदी डालूंगी। देखिएगा इसमें ये बूंदी मिला दी है। अब इसको हींग जीरे और मिर्च से मैं छौंक लगाऊंगी इसमें। अभी देखिए फ्रेंड्स, इस पैन में मैंने ये हींग डाली थोड़ी, ये जीरा, देखिए थोड़ी सी, ये देखिए बतौर का रायता बूंदी इसमें डाली हुई है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बथुआ इन दिनों में बहुत फायदा करता है, गर्म होता है। इसमें मैंने बूंदी डाली हुई है, बहुत ही टेस्टी बना है। अब मैं मेथी के पराठे की तैयारी करती हूँ। ये फ्रेंड्स देखिए, मैंने इधर तवा रखा हुआ है। ये मैंने देसी घी लिया हुआ है। मैं पराठा तैयार करती हूँ। देखिएगा ये देखिए इस तरीके से मैंने ये, आप साइज जितना बड़ा पराठे का, पतला मोटा जैसा खाना चाहें। देखिएगा ये देसी घी लिया हुआ है मैंने। इसकी मैं इस तरीके से, देखिएगा तह लगाती हूँ ये इस तरीके। देखिएगा को मेथी के साग का पराठा
बहुत ही टेस्टी बनता है और लगता भी इन दिनों में मेथी बहुत अच्छी जाड़ों में आती है। ट्राई करके जरूर देखिएगा। देखिए देखिए फ्रेंड्स, देसी लगा के इस तरीके से देखिएगा। देसी घी में थोड़ा धुआं ज्यादा उठता है पराठे का, ये देखिएगा, लेकिन टेस्टी भी बहुत लगता है। देखिए फ्रेंड्स, पराठा सिक चुका है। इसकी देखिए आप, ये जो मैंने इसकी तय कितनी अच्छे से खुल रही है, ये देखिएगा। देखिए अभी और सेकती हूँ मैं इसको, रखती हूँ प्लेट में। ये देखिए इस पराठे में मैंने इसमें घी लगा रखा है। इसकी एक और तरह आपको बताती हूँ किस तरह की इसमें तय बनानी है। इस तरीके से कीजिएगा, इधर से ये फोल्ड कीजिएगा और थोड़ा घी इस तरीके से और लगाइएगा, एक फोल्ड ये दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से भी आप इसके अंदर तय लगा सकते हैं पराठे की। ये देखिएगा, ये दूसरा पराठा भी सिक गया है। इसकी मैंने आपको ये दूसरे तरीके से तय बताई थी, इस तरीके देखिएगा चौकोर में कितनी अच्छी तय खुली हुई है, कितना सुंदर लग रहा है मेथी के साग का पराठा। ये देखिए फ्रेंड्स, बथुआ और बूंदी का रायता बहुत ही टेस्टी बनता है, प्लीज ट्राई करके जरूर देखिएगा। और ये मेथी के साग के पराठे देखिएगा कितने खस्ता और बढ़िया बने हैं, प्लीज ट्राई करके जरूर देखिएगा। आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।